नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। इन दिनों ग्राम अकोड़ा दिन प्रतिदिन विकास की ओर बढ़ रहा है। आए दिन विकास कार्यों को तेज गति प्रदान करने वाली अकोड़ा नगर परिषद हर नागरिक की प्रशंसा का कारण बनती जा रही है। आदर्शता की ओर बढ़ने वाला ग्राम अकोड़ा जिले का पहला ऐसा गाँव बन गया है जिसमें हर प्रकार की योजनाओं का लाभ आमजन को मिलने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुख्य नगर परिषद अधिकारी रामभान सिंह भदौरिया ने जब विकास कार्यों के बारे में उनसे पूछा गया, चर्चा की गई, तब पता चला कि ग्राम अकोड़ा नगर परिषद में कार्य विकास की ओर बढ़ने लगे हैं। जिन कार्यों को देखकर हर नागरिक के मुख पर मुस्कुराहट और अकोड़ा को आदर्श गांव बनाने की कार्य योजना देख विधायक संजीव सिंह कुशवाहा का गुणगान भी कर रहे हैं। ये विकास कार्य योजना हालांकि अभी शेष है, इन पर कार्य करना अभी बाकी बताया जा रहा है। बच्चों को, युवाओं को पुलिस, आर्मी में और खेल आदि में भर्ती के लिए फिजिकल निकालने के लिए कोई भी स्थान नहीं था, जिस पर नगर परिषद के द्वारा विधायक संजीव सिंह संजू से ग्रामीण युवाओं ने मांग की, जिस पर ध्यान आकर्षित कर नगर परिषद के द्वारा खेल स्टेडियम 900x18/1 गौचर जमीन पर 17 बीघा पर खेल स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत को भेजा गया है। अंधकार दूर हो और ग्राम अकोड़ा से उसके लिए विद्युत LED लाइट लगवाने की योजना का भी लाभ दिया गया है। करीब 100 लाइट इलेक्ट्रिक पोल पर प्रकाश के लिए लगा दी गई हैं। ग्राम अकोड़ा नगर परिषद से रपटा से लेकर शक्ति भट्टा तक, सेवड़ा रोड से लेकर चिमनी तक सुलभ रात्रि में रोशनी की सुविधा प्रदान कर दी गई है। 2 इलेक्ट्रिक बड़ी लाइट को भी लगवा दिया गया है। विकास कार्य में काफ़ी पिछड़ा अकोड़ा अब दिन प्रतिदिन विकास की ओर बढ़ रहा है। वार्ड 12-13 में सड़कों के निर्माण कार्य, गौशाला का निर्माण कार्य, सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, दुकानों के निर्माण कार्य, पार्क निर्माण कार्य आदि निर्माण ग्राम अकोड़ा में बनने की कार्य योजना बनाई जा रही है। जिले के नज़दीक ग्राम अकोड़ा को आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प जो लिया गया है वो बहुत ही जल्द पूरा करने का नगर परिषद ने बीड़ा उठाया है। प्राइम न्यूज़ 24 से ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट।